शादाब ने बोलिंग की कमाल की बॉलिंग की उसने गूगलीज और लेग स्पिन बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड राइटली चोज टू बोल पाकिस्तान की पार्टनरशिप शुरू हो रही थी तब थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस दिखाई दिया रिजवान में uh, मैंने यह भी सुना था कि वॉज अनवेल हॉस्पिटल में थे और आके उन्होंने ऐसी इनिंग खेली तो दैट वॉज ऑब्वियसली वंडरफुल फॉर पाकिस्तान जिस तरह से बाबर आजम एक टच में दिख रहे थे इट वॉज सुपर टू वॉच एम स्टाक ने भी जो शुरुआत की थी वो अटैकिंग लेंस डाल रहे थे जो हमें शाहीन अफरीदी के पहले दो ओवर में दिखाई दे रहा था वही सेम स्ट्रेटेजी स्टाक भी यूज़ कर रहे थे सरप्राइज कि उसे तीसरा ओवर दिया नहीं था मैक्सवेल दो माइंड यू ऑलमोस्ट गॉड विकेट इन दर्ड ओवर पार्टनरशिप अच्छी थी ओपनिंग पार्टनरशिप मगर पहले छः ओवर के बाद एक्सलरेशन में थोड़ा ब्रेक लगा था पहले छः ओवर में 47 फॉर नो लॉस थे और बाद में एट द एंड ऑफ द टेंथ ओवर 71 फॉर वन वो हुआ खास करके बिकॉज जैम्पा केम मिन टू बोल मगर उसके पहले की जो एक स्टेज थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सीमर्स कैप बोलिंग स्लोअर बॉल्स इन टू द बॉडी स्पेशली वेन द ऑन साइड बाउंड्री वॉज लॉन्ग और वहाँ पे उन्होंने फील्डिंग भी चेंज की थी डीप स्क्वेलेगा लगाया था और फाइन लेग लगाया था दोनों ने काफ़ी बाउंड्रीज बचाए वहाँ पे। वो दो दो तीन तीन बाउंड्रीज बचाते हैं इवेंचुअली दो रन गेट एडेड अप टोटल। तो आप फील्डिंग कर रहे हो मगर यू आर ऑलरेडी प्लस सेवन एट रन क्योंकि वो बाउंड्री सेव किए हैं इसलिए मगर टर्निंग पॉइंट था जब जैम्पा बॉलिंग करने आए हिज ओवर्स वो क्रिटिकल आई गॉट द इम्पोर्टेंट विकेट ऑफ बाबर आजम और उसके वो दो ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के एक्सेलरेशन पे ब्रेक्स लगा दिए थे फ़खर जमान ने आके प्लेट सम अनबिलेबल शॉट्स लंबे लंबे छक्के मारे जो उनका ग्रिप है उससे पता लगता है कि ना इज मो, मोर और सो बॉटम हैंडेड प्लेयर सारे छक्के जो देखने मिले वो सारे मिड विकेट या मिडॉन की तरफ थे तो उनका बॉटम हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और लेंथ अच्छी पिक की उन्होंने स्टाक को टारगेट किया टूवर्ड्स द एंड एंड आई फेल्ट वन सेवनटी सिक्स वॉज अ पिक टोटल दे 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 एंडेड वेरी स्ट्रांग बीच में एक ऐसे फेज आई थी जहाँ पे जितना एक्सेलरेशन होना चाहिए था उतना हुआ नहीं पॉसिबली बिकॉज दैट वॉज देयर स्ट्रेटेजी कि विकेट्स हाथ में रखो बाद में वील अटैक इन विच दे टेड एंड वन सेवनटी सिक्स वॉज अ गुड टोटल ऑस्ट्रेलिया वर इन कंट्रोल ऑलमोस्ट टिल दी एंड मगर वो जो लास्ट चार ओवर थे वहाँ पे दे डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल एक्सेप्ट पैट कमेंस पैट कमेंस का जो नाइनटीन्थ ओवर था इट वॉज अ फेबुलस ओवर ओनली गेव थ्री रन्स और लास्ट चार ओवर में पाकिस्तान स्कोर्ड 54 फोर रन्स सो इन शॉर्ट वाड्यूस एज अठारह बॉल में 51 वन रन बनाए थे पाकिस्तान में और जो तीन रन बनाए पैट कमिंस के ओवर में वहाँ पर अगर और सात आठ रन बनाते तो यू नो यू आर लुकिंग एट हंड्रेड एंड एटी फाइव वो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वन सेवेंटी सिक्स और वन एटी फाइव सडनली थिंकिंग चेंज हो जाता है सेकेंड हाफ में भी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई शाहीन अफरीदी ने ही गॉट फिंच आउट मुझे लग ही रहा था कि वो चांसेस हो सकते हैं और वो हुआ uh, और पहले तीन ओवर में uh, अगर आप देखें तो सिर्फ तेरह ही रन दिए थे पाकिस्तान ने बट टेन ऑस्ट्रेलिया रियलाइज़ किया हमें एक्सेलरेटर पर पैर दबाना होगा और गाड़ी और तेज़ भगानी पड़ेगी अगर 177 तक पहुंचना है तो यू कांट अलाउ द रिक्वायर्ड रन रेट टू कीप माउंटिंग अप क्योंकि उसके बाद एक हद तक वो चल सकता है उसके बाद हर डॉट बॉल महंगा साबित हो सकता है एंड दे राइटली सो दे अटैक्ट देयर मेन बोलर जो शुरू में आके पहले छः ओवर में डालते हैं जैसे इमाद इमाद ने बोलिंग की वो नॉर्मली पहले छः ओवर में तीन ओवर तो करते ही है और कभी अच्छी कर रहे हैं तो ख़त्म ही कर देते हैं उनके चार ओवर उसको अटैक किया और उसको जब रिप्लेस किया राउफ ने तो राउफ के भी पहले ओवर में अटैक किया मिचिल मार्श ने आई फेल्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी मगर यू कुड सी दैट एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन वॉनर के फेस पे था वो छक्का मारने के बाद वो सिंगल ले रहे थे और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी इट वॉज एविडेंट दैट ही वॉन्टेड टू प्ले देयर टिल दी एंड टू मूव फॉरवर्ड इन दैट गेम आई वुड से कि जो uh, शादाब ने बोलिंग की कमाल की बोलिंग की उसने गूगलीज और लेग स्पिन बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए और उसमें कई बार ऐसे दिखाई दिया कि बैट्समैन वर नॉट रीडिंग और जब स्टॉइनस बैटिंग करने आए तो ही लुकड इन टोटल कंट्रोल वो काम थे कंपोज थे वर फ्यू डॉट बॉल्स बोल्ड हिज बॉडी लैंग्वेज कन्वेड अ पॉजिटिव मैसेज अ कॉन्फिडेंट मैसेज ये ना मुझे पता है कि डॉट बॉल जा रहे हैं मगर आई कैन मेक इट अप तो वही हुआ अगर स्टॉइनस की बैकलिफ्ट किसी को दिखाए तो कोई बोलेगा नहीं कि स्टॉइनस लंबे लंबे छक्के मार सकता है और इतनी पावर जनरेट कर सकता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल बैकलिफ्ट है नहीं चौके छक्के मारने की मगर दैट इज़ हाउ ही बैट्स एंड ही जनरेट्स ट्रिमेंड पावर सो फुल मार्क्स टू स्टॉइनस फॉर शोइंग हिज कामनेस जो एक टेम्परामेंट था एंड दैट काइंड ऑफ यू नो एक uh, वो इन्फेक्शस होता है कि जो अंदर बैट्समैन कॉन्फिडेंटली जिस तरह से मूव कर रहे होते थे वो ड्रेसिंग रूम का उसके एक पॉजिटिव असर पड़ जाता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन मैथ्यू वेड भी बैटिंग करने आए उन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया और व्हेन इट मैटर्ड ही हिट दोज थ्री ब्रिलियंट सिक्स किसी को लगा नहीं था कि नाइनटीन ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी मुझे भी लगा था कि लास्ट ओवर तक मैच जाएगी क्रूशल रहेंगे कुछ ओवर्स मगर आप देखें तो शदाब के सिवा किसी और ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं शुरुआत अच्छी हुई थी मगर